दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ सीमांचल क्षेत्र के बारे में। और सीमांचल क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं, सीमांचल क्षेत्र का नाम सीमांचल क्यों है, और सभी कुछ इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और साथ में यह भी बताऊँगा कि सीमांचल को किस तरीके से कुछ घुसपैठिए मैथिल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीमांचल को मिथिला का उपनिवेश बना दिया जाए और सीमांचल को किसी तरीके से हड़प कर वो मिथिला के अंडर इसे रख लें, जबकि सीमांचल का अधिकांश क्षेत्र जो है उसका मिथिला या फिर मिथिला के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सीमांचल लिखा हुआ है, ये है सीमांचल। और सीमांचल क्षेत्र को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कोसी नदी के पूर्व में, जो कोसी नदी है उसके पूर्व में सीमांचल है, कोसी के पूर्व में सीमांचल और कोसी के पश्चिम में मिथिला, यही है पहचानने का इसका नियम। और आज सीमांचल क्षेत्र के बारे में मैं ये भी बात करूँगा कि सीमांचल में कितने ज़िले आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो सीमांचल में आप ये देख लें, सीमांचल में आते हैं कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, इतने ज़िले हैं जो कि सीमांचल में आते हैं। इसमें से पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, सुपौल, इन ज़िलों को सीमांचल ही लोग मानते हैं कि सिर्फ यही ज़िले सीमांचल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीमांचल में जितने भी ज़िले मैंने बताए वो सभी ज़िले आते हैं। और अब यहाँ पे आप लोग ये सोचेंगे कि कटिहार को ये सीमांचल में रख रहा है, फिर अंग प्रदेश में भी रख रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, सीमांचल जो क्षेत्र है ये अपने आप में नेचुरल क्षेत्र है, मतलब कि इसका नाम जो है सरकार दी है। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश में मध्यांचल है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, तो उसी तरीके से इस क्षेत्र का नाम बिहार सरकार ने, मतलब सरकार ने तय किया है सीमांचल। तो ये एक नॉर्मल टर्म नहीं है, इतिहास के आधार पे इस टर्म को नहीं बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अंग प्रदेश या फिर मिथिला या फिर भोजपुर, ये सब मतलब ऐतिहासिक टर्म है, इस इतिहास में ही इस शब्द का आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि भोजपुर का वर्णन इतिहास में नहीं है, सिर्फ भोजपुर का वर्णन नहीं है, अगर आप महाजनपद काल में भी जाएंगे तो भोजपुर नाम से कोई भी आपको क्षेत्र नहीं दिखेगा। भोजपुर ही बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जिसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा वैदिक काल में या फिर महाजनपद काल में, क्योंकि भोजपुर कोई क्षेत्र नहीं था। भोजपुर बाद में उज्जैनी राजपूतों के द्वारा जब आकर के ये लोग बस गए, चूँकि ये लोग राजा भोज के संतान अपने आप को मानते थे, तो उस समय के आरा में आकर ये बस गए और सोन नदी को उन्होंने पार नहीं किया, तो सोन नदी के पश्चिम में पूरा भोजपुर क्षेत्र कहला गया। वहीं भोजपुर क्षेत्र का अगर महाजनपद काल में नाम देखा जाए तो उसमें काशी है, कौशल है, माला है, लेकिन ऐसा नहीं था कि काशी में उस समय भोजपुरी बोली जाती थी। आज की जो आधुनिक भोजपुरी है इसका महाजनपद काल या वैदिक काल की भाषा से कोई लेना देना नहीं है। और आज का जो अंग प्रदेश भी है इसका भी आज की जो अंगिका भाषा है या फिर विदेह की भाषा उस समय जो थी सीता माता के समय, उसका आज के मैथिली या फिर अंग प्रदेश का आज की अंगिका से कोई भी ताल्लुक नहीं। हाँ, सिमिलरिटीज हो सकती है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं संथाली में और अंगिका में जो कि मैच करते हैं, तो ये सब बातें हैं। तो सीमांचल क्षेत्रों के बारे में आज मैंने आपको बताया कि सीमांचल क्षेत्र क्या है, कैसे है। और हम लोगों को जब भी टर्म क्वाइन करना है तो आप लोग याद रखें कि हम लोग इसे ज़्यादातर मिथिला मान लेते हैं, जबकि ये क्षेत्र मिथिला है नहीं। तो हमें क्या करना है, या तो इसे कोसी क्षेत्र के रूप में जानना है या नहीं तो इसे सीमांचल क्षेत्र के रूप में जानना है। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और याद रखें कि सीमांचल के बारे में मैंने क्या कहा है, जब भी आपको इस टर्म को इन ज़िलों के बारे में बात करना हो तो सीमांचल टर्म का उपयोग करें, मिथिला करें। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।